डॉक्टर किरण पुनिया जी जो जननायक जनता पार्टी की अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, आज उनका नामांकन भरवाने हम यहाँ आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया और उनके बाद प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर किरण पुनिया जी ने जिस तरीके से छात्रों को शिक्षित कर हजारों की तादाद में अम्बाड़ा में अपनी सेवा दी, आज जनता भारी बहुमत से इनके पक्ष में वोट भी करेगी और ऐतिहासिक अंतर से डॉक्टर किरण पुनिया जी को अम्बाड़ा संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुना। और सांसद ही नहीं, ऐसे नेता जो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ को, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए, वो जिम्मेवारी के साथ इनको लाखों के अंतर से जिताकर भेजने का काम करें। दुष्यंत जी, सरकार से अलग होते ही जांच की बातें होने लगी है, किस तरह से देखते हैं? कभी सरकार में भी मना नहीं किया, आज भी नहीं मना करते, और होनी चाहिए। और कई अफवाहें भी है, दुष्प्रचार भी है, और उसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम समय पर लेंगे। जोगीराम सिंह कह रहे हैं जेजेपी परिवार की पार्टी, जोगीराम जी भी तो परिवार के सदस्य थे, आज वो अलग हो गए। वो कह रहे हैं जेजेपी में रह के ही रंजीत की मदद करेंगे। एक चीज साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलएशिप से रिजाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिजाइन दे सकते हैं। ये चलाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेवारियों से अपने आप को छुड़वा के दूसरी पार्टी का समर्थन किया। जनता ने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया था, और अगर किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई की तो जो भी हमारे इलेक्शन के मैंने रूल्स के अंदर परमिटेड है वो सारी लीगल कार्रवाई फिर उनके विरुद्ध।